नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। मैं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं बंजरिया प्रखंड क्षेत्र संख्या 23 में और हमारे साथ हैं यहाँ के उम्मीदवार, जिला परिषद से भावी उम्मीदवार जो कि बहुत ही चर्चित है। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, मोतिहारी में उनका एक बहुत ही अच्छा क्लिनिक भी चलता है जिसकी तरह से उस क्लिनिक के माध्यम से लोगों की सेवा और जनता की सेवा लगातार करते आ रहे हैं। उमेश अख्तर जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे हम जानना चाहेंगे, ठंडी पड़ रही है, लगभग ठंडी का मौसम आ गया है और इस मौसम में सुबह के 5 बजे 6 बजे आप निकल गए थे इतनी बड़ी रैली लेकर और ये जनसैलाब के साथ, तो इसमें आपके लोगों को या आपको थोड़ा ठंड वंड नहीं लग रही है? देखिए, ठंड तो लोगों को लगती ही है लेकिन अपनों के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। और रही बात, ये लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, इसलिए ठंड का कोई एहसास हो नहीं रहा है। सिसवा से चल के आप चैलाहा पहुंचे हैं बनारसी चौक होते हुए, ये आपके साथ इतना बड़ा कारवां चल रहा है लोगों का और इस तरह का जन समर्थन और जन सैलाब जो है आपके साथ लगा हुआ है, लगातार बना हुआ है, ऐसा क्या मतलब, किस तरह का आपने मतलब अपने जनता में अपनी एजेंडा को रखा है या अपनी बातों को रखा है कि जिससे जनता आपसे काफ़ी प्रभावित है और चाहती है कि इस बार जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 23 से उम्मीदवार आप ही को चुनें? देखिए, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं या एरिया जो देख रहे हैं, ये सारे लोग चिकित्सा जगत में हमसे जुड़े हुए हैं। लोग सारे लोग हमारे पास आते जाते रहते हैं, इलाज कराते हैं, बहुत सारा सुविधा इन लोगों को मिलता है हमारे यहाँ से। दूसरी बात यह है कि मैं इससे पहले भी 2001 में जिला परिषद का सदस्य रह चुका हूँ और उस पीरियड में मैंने बहुत सारा विकास का काम किया है और बीच के समय में भी मैं अपने पेशे के माध्यम से लगातार जनता से जुड़ा हुआ रहा हूँ और जनता का स्नेह और प्यार हमको मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। 2001 में आप जिला पार्षद निर्वाचित हुए थे, 2001 का चुनाव और ये 2021 का चुनाव, दोनों में लगभग 20 वर्ष का अंतर है, एक मतलब दो दशक का अंतर है, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है लेकिन मैं जो जनसंपर्क अभियान में घूम रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो उल्लास लोगों में 2001 में था उससे कहीं ज़्यादा हर्ष और उल्लास लोगों में आज हमको देखने को मिल रहा है और उससे ज़्यादा प्यार और जन समर्थन मुझे मिल रहा है। इस बार आपके चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या है, किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा सबसे पहला एजेंडा है शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज अगर शिक्षित हो जाए तो समाज की सारी बुराई लगभग लगभग जो है से दूर हो जाती है, तो पहला मेरा एजेंडा शिक्षा है। दूसरा एजेंडा मेरा स्वास्थ्य है और मैं उसी सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। तीसरा एजेंडा मेरा विकास है और चौथा एजेंडा है समाज से भ्रष्टाचार को दूर करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना। अपने क्षेत्र की क्षेत्र संख्या बंजरिया प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 की तमाम जनता से क्या अपील करूँगा? मैं तमाम जनता से यही अपील करूँगा कि निर्भय होकर निष्पक्ष रूप से एक शिक्षित अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें ताकि इससे समाज का कल्याण हो और क्षेत्र का विकास हो, लोग आगे बढ़े। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।